दोस्तों क्या होगा अगर सूरज पर पानी डाल दिया जाए, या फिर क्या होगा अगर पानी से भरा एक ग्रह ही सूरज से टकरा जाए? क्या सूरज को पानी डालकर बुझाया जा सकता है? आज हम देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है अगर ब्रह्मांड में कोई पानी से भरा ग्रह ही सूरज से टकरा जाए, क्या हमारा सूर्य बुझ जाएगा? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों एक बच्चा भी जानता है कि अगर आग में पानी डाला जाए तो वह आग बुझ जाएगी। ऐसे में हमारा सूर्य जो पिछले 4.5 अरब सालों से हमें रोशनी दे रहा है, अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों इससे पहले कि सूर्य पर पानी डालकर देखा जाए, हम आपको बता दें कि सूरज धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। ऐसे में अगर धरती के सभी महासागरों का पानी भी सूरज पर डाल दिया जाए तो वह सूरज के सामने एक कण भी नहीं है। इसलिए अगर हमें देखना है कि सूरज और पानी की लड़ाई में किसकी जीत होगी, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ब्रह्मांड में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो काफी बड़े हैं और लगभग पानी से ही बने हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई वाटर वर्ल्ड्स बेखौफ घूम रहे हैं, जहां चारों तरफ पानी ही पानी है। पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है ओरियन नेबुला, जो कि एक गैस का महासागर है जिसका अधिकतर भाग हाइड्रोजन गैस से भरा है। गैस के इस बादल में हर दिन इतना पानी पैदा होता है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी महासागरों को 60 बार भर दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये कोई प्लेनेट नहीं है जो चलते चलते हमारे सूरज से टकरा जाए, इस कारण ये सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर हम पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर जाएं, तो हमें मिलता है एक ऐसा प्लेनेट जो कि पूरी तरह से पानी से बना है। ये है GJ1214b। वैज्ञानिक इस ग्रह को सुपर अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि यह हमारी धरती से काफी बड़ा है। यह आकार में धरती से 2.5 गुना बड़ा है और मास में इसका मास धरती से 8 गुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्लेनेट का 25% भाग रॉकी मटेरियल है और 75% भाग पानी है। इस ग्रह पर पानी लबालब मौजूद है, यानी इसे हम यूनिवर्स में एक चलता फिरता समंदर कह सकते हैं। इस ग्रह का काफी भाग बर्फ से बना है, जिसे वैज्ञानिकों ने आइस 7 नाम दिया है, क्योंकि ये एक विचित्र प्रकार की आइस है। लेकिन दोस्तों यह ग्रह भी सूरज के सामने काफी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा ये सूरज उससे लाखों गुना बड़ा है। लेकिन अगर सूरज से ऐसे कई प्लैनेट्स टकराएं, तो उनमें इतना पानी होगा जो सूरज का मुकाबला कर सके। ऐसे में क्या होगा अगर सूरज से कई सारे वाटर प्लैनेट्स टकराएं? दोस्तों इसे जानने के लिए हमें देखना होगा कि क्या होगा अगर ये काफी बड़ा वाटर प्लैनेट सूरज से टकराए। तो फ्रेंड्स, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी होते हैं जो आवारा घूमते रहते हैं, इन्हें रॉक प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इस वजह से ये प्लैनेट्स किसी भी प्लैनेट से टकरा भी सकते हैं। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में आ जाए तो काफी उत्पात मचा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक पानी से लबालब भरा रॉक प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाता है और हमारे सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो इस ग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसे में ऐसा कोई ग्रह सीधे हमारे सूरज से टकराएगा। मान लीजिए हम अनलकी हैं और ऐसे कोई ग्रह हमारे सूर्य से आकर टकरा जाता है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई ग्रह सूरज के पास पहुंचता है तो सूरज के पास पहुंचने से पहले ही उसे काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। इस हीट की वजह से उस प्लैनेट्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहाँ मौजूद पानी सबसे पहले भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्लैनेट काफी बड़ा होता है, इसलिए सूरज की हीट एक साथ पूरे प्लैनेट को भाप में तब्दील नहीं कर सकती। इस वजह से पानी से लबालब भरा प्लेनेट लगातार अपने पानी को लेते हुए सूरज के करीब पहुंचता जाएगा। हमारे सूरज की सरफेस का तापमान 6000 डिग्री है। जैसे ही कोई प्लेनेट सूरज के इस भाग में इंटर करेगा, मात्र कुछ ही सेकंड में वह भाप बन जाएगा। हमारी पृथ्वी पर मौजूद टंगस्टन जैसी मेटल 3000 डिग्री पर जाकर लिक्विफाई हो जाती है। ऐसे में चाहे कोई पथरीला प्लेनेट क्यों ना हो, वह भी सूरज के अंदर जाने से पहले पिघल जाएगा। लेकिन एक पानी से लबालब भरे ग्रह जिसमें अंदर काफी गहराई तक पानी ही पानी हो, वह तुरंत एक साथ भाप नहीं बनेगा। ऐसे में क्या होगा जब वह सूर्य के अंदर जाएगा, क्या वह सूरज को बुझा देगा? दोस्तों यहाँ आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस तरह आग में पानी डालने पर आग बुझ जाती है और उसी आग में पेट्रोल डीजल या घी डालने पर वह और भड़क जाती है, अंतरिक्ष में जाकर ऐसा नहीं होगा। एक पानी से भरा प्लेनेट सूरज को बुझाएगा नहीं, बल्कि उसे और ज्यादा जलाएगा। यानी अगर ऐसा कोई ग्रह सूर्य के अंदर चला जाए तो वह सूरज के लिए एक फ्यूल के तौर पर काम आएगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होगा? हम जानते हैं आग में पानी डालने पर तो आग बुझ जाती है, यहाँ तक कि अगर सूरज को किसी
मेगा ओशियन यानी ओरियन नेबुला में डुबा दिया जाए, जहां हर दिन धरती पर मौजूद समुद्रों से 60 गुना पानी पैदा होता है, फिर भी सूरज और ज्यादा जलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? इसे जानने के लिए आपको समझना होगा कि सूरज के अंदर आग नहीं है, बल्कि सूरज के अंदर प्लाज्मा मौजूद है। प्लाज्मा पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन सूरज के अंदर ऑक्सीजन लगभग ना के बराबर है। सूर्य के केंद्र में लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जहां हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम एटम में तब्दील होते हैं और यही रोशनी पैदा होती है। सूरज पे पानी डालने से या किसी वाटर प्लेनेट्स के सूरज से टकराने से सूरज बुझने की बजाय और अधिक जलेगा, क्योंकि जब कोई प्लेनेट सूरज से टकराएगा तो उसके सारे पानी को सूरज भाप में बदल देगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन गैस के एटम्स सूरज के लिए फ्यूल का काम करेंगे। अब सूरज के पास और ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे बर्निंग के लिए, और सूरज की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्रेविटी बढ़ने की वजह से सूरज और तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन करेगा, जिस वजह से सूरज और जलेगा, यानी उसमें और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी सूरज और ज्यादा चमकदार हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर सूर्य हमारे लिए काफी डेंजरस साबित हो जाएगा, क्योंकि अब सूरज का मास बढ़ने की वजह से उसकी ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिससे सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट सूरज के थोड़े और करीब आ जाएंगे। साथ ही सूरज के और ज्यादा चमकीले होने से पृथ्वी पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा, जिससे हमारी पृथ्वी पर लाइफ खतरे में आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, सूरज पे पानी डालने से सूरज भले ही न बुझे, लेकिन सूरज को इसका काफी नुकसान होगा। अब सूरज की ग्रेविटी और फ्यूजन रिएक्शन बढ़ने से सूरज के अंदर मौजूद हाइड्रोजन जल्दी खत्म होने लगेगा, जिस वजह से सूरज का लाइफ टाइम कम हो जाएगा। जहां सूरज 5 अरब साल और जीना था तो उसकी आयु काफी कम हो जाएगी, यानी हो सकता है कि सूरज 1 अरब साल, 1 करोड़ साल या 1 साल जी पाए। ये डिपेंड करता है सूरज में कितना पानी डाला गया है। तो दोस्तों, सूरज में पानी डालने से सूरज बुझेगा नहीं, बल्कि और जलेगा, और इसी वजह से सूर्य की आयु भी कम हो जाएगी और पृथ्वी पर मौजूद लाइफ भी खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, हमारे सूरज के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होने वाली है, और अगले 5 अरब साल बाद हमें डरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब सूरज फैलकर सुपरस्टार रेड जॉइंट बन जाएगा और पृथ्वी को यानी हम सबको अपने अंदर निगल लेगा। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।